फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एक रिएक्शन है P इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, डी की जीरो है, P इज इक्वल टू टी पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए ए टी विच इज ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, बी टी जो है वो एक्स हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट टाइम टी। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट डी एक्स बाई डी टी होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर वन, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, मतलब डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए नॉट माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, साइड में लिख देते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए अलग है ये वाला ए नॉट ए, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय ए एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इसका इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन, ना एक्स का कॉफिशियंट यहाँ माइनस वन है, यहाँ पे डिवाइड किससे करते हैं, एक्स के कॉफिशियंट से, तो एक्स का कॉफिशियंट यहाँ माइनस वन है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। लिमिट्स क्या है, एक्स एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू एक्स, टाइम वेरीज फ्रॉम जीरो टू टी, जीरो टू एक्स इज इक्वल टू के टी, टाइम वेरीज फ्रॉम जीरो टू टी। अब क्या करेंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर लोअर लिमिट कर दो, माइनस माइनस मतलब माइनस फिर से ए माइनस ए वाला एल एन ऑफ ए नॉट, लोअर लिमिट पुट कर दी इज इक्वल टू के इन टू टी माइनस जीरो, ठीक है ये बात, पहले अपर लिमिट एक्स फिर लोअर लिमिट जीरो, ठीक है, एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है आ गया, एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया ये। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एल एन मतलब लॉग ही होता है, लॉग टू द बेस ई, इसी को एल एन कहते हैं नेचुरल लॉग। तो अब ये इसका क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी, हमने ये फॉर्मूला लगाया, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया, तो बस आ गया। अब दिस इज ए टी, ए नॉट माइनस एक्स इज ए टी, एल नॉट ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, ये आ जाता है। अब एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करना तो 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी दिस इज के टी, लॉग का देखो केमिस्ट्री में जब भी लॉग लिखा इसका मतलब उसका बेस 10 है, तो आ गया लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो के क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का एक्सप्रेशन है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे ए नॉट की जगह, ए नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए टी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम
डी इनकी जगह प्रेशर भी हो सकता है, पी नॉट अपॉन पी टी, प्रेशर भी हो सकता है, नोट कर लीजिए इसको। फिर है इसका हाफ लाइफ टाइम, हाफ टाइम क्या होता है किसी रिएक्शन का, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए उसको क्या बोलते हैं, हाफ टाइम। तो एट t इज इक्वल टू टी हाफ, ए टी क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, आधा रह जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट, तो k क्या हो जाएगा फिर, 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई टू, के टी टी हाफ हो जाएगा ये, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ टू। तो यहां से निकाल लो टी हाफ इज इक्वल टू 2.3 लॉग लॉग टू की वैल्यू 0.3 होती है, याद रखो लॉग टू इज 0.3 अपॉन के, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टी हाफ इज 0.693 बाय के, ये याद रखना। इसको आप ऐसे भी याद रखो कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू बाय के, ये भी याद रखो। तीसरी बात, टी हाफ इज इक्वल टू, अब देखो 2.303 इंटू लॉग ए एल एन टू ही होगा ना, एल एन ऑफ टू नेचुरल लॉग ऑफ टू बाय के, तीनों याद रखो, नोट कर लो। फिर देखते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या रिएक्शन का, देखो k क्या है 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a नॉट बाय ए टी, 2.303 को ऐसे कर लो ln ऑफ a नॉट अपॉन ए टी 1 बाय टी, ऐसे कर सकते हो ना, 2.303 को log से मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल log ln बन जाता है k, तो ln ऑफ a नॉट अपॉन ए टी इज के टी, ln का मतलब होता है log टू द बेस e, ठीक है ना, तो log टू द बेस e a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी है, तो इसका क्या मतलब होता है, a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू e रेस्ट पार के टी, ये मतलब होता है ना इसका, ये log की प्रॉपर्टी होती है, log का जो यहाँ बेस होता है वो उसकी पावर के टी इज इक्वल टू ये log का वैल्यू, ये उसकी प्रॉपर्टी है लॉग की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर के टी, अब क्या करो ए टी क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ई रेस टू पावर के टी, सो ए टी इज ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के टी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी आ गया। प्रेशर के लिए करना है तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट e रेस पावर माइनस के टी। अब इस एक्सप्रेशन को जरा देखो, ये वाले एक्सप्रेशन को, लाइफ टाइम में क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू टी लाइफ टाइम ए टी जीरो हो जाएगा, लाइफ टाइम मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ए टी तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो कब होगा, वेन विल दिस टर्म बी जीरो, जब e रेस पावर के टी इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी भी चीज को इनफिनिटी से डिवाइड करो जीरो हो जाता है, तो ई रेस्ट पर के टी अगर इनफिनिटी हो जाएगा तभी तो ए टी जीरो होगा, मतलब टी क्या हो जाए इनफिनिटी, ई रेस्ट पर के टी इनफिनिटी कब होगा, जब टी इनफिनिटी हो जाए, मतलब ए टी वेन विल ए टी बी जीरो एट टी इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब कभी कंप्लीट ही नहीं होगी रिएक्शन, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never goes to completion, कभी भी ये completion में जाती नहीं है, लेकिन if it is completed नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट अगर वो complete हो जाती है, it is assumed complete,
इसके ग्राफ्स करने हैं हम। ग्राफ्स में सबसे पहले इजी सा ग्राफ है इसका, रेट क्या है, के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फर्स्ट ऑर्डर का ही है ना, तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, स्लोप उसकी के, ये बन गया रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम। अच्छा फिर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनाएंगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या, रेट क्या है, के टाइम्स ए टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी ए टी, ओके। ए टी का वैल्यू क्या था, ए नॉट ई रिस्ट पर माइनस के टी, ए टी इतना आ गया था, ए नॉट ई रिस्ट पर माइनस के टी, तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, टी इज इक्वल टू जीरो पे के टाइम्स ए नॉट, टी इज इक्वल टू जीरो पे के टाइम्स ए नॉट, और ये ऐसे डिक्रीज करेगा रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट ग्राफ देखो, नेक्स्ट फिर हमने देखा था के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, ये देखा था, तो इसको काम करो, के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करो, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस बी होता है, इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग ऑफ ए टी माइनस लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब क्या करो, लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ ए नॉट, लॉग ऑफ ए नॉट को इस तरफ लेगा, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इसको कंपेयर करो आप, वाई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे टी रहेगा ना, टी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं लॉग ऑफ ए टी, एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं टी, तो इसका लॉग ऑफ ए नॉट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, तो ये क्या, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ ए नॉट, स्लोप कितनी आ जाएगी, माइनस के अपॉन 2.303, ये स्लोप आ जाएगी ना, तो ये इसका ग्राफ होता है। मतलब क्या, बस प्लॉट कर दिया इस इक्वेशन को, यहां प्लॉट कर दिया, ये एक इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को यहां प्लॉट कर दिया, ये इक्वेशन तो हमने ऊपर ड्राइव करी थी ना ये वाली, तो इसी इससे कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखो अब सेम एक्सप्रेशन का एक और फॉर्म का ग्राफ होता है, देखो आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इस तरफ इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2.303 लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट, कर सकते हैं ऐसा, अगर आप लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नेचुरल लॉग हो जाता है, एल एन नेचुरल लॉग, एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए नॉट, देखो एल एन का फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एल एन जहां भी केमिस्ट्री में लिखा हो उसका मतलब लॉग टू द बेस ई होता है, और जहां भी लॉग लिखा हो केमिस्ट्री में उसका मतलब लॉग टू द बेस 10 होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है, लॉग टू द बेस 10 को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो लॉग टू द बेस ई बन जाता है, ओके। अब इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कर दो एल एन ऑफ ए टी, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो टी, तो जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, एल एन ऑफ ए नॉट, देखो यार टाइप टी जीरो पुट करो, टी जीरो पुट करोगे तो एल एन ऑफ ए नॉट, एल एन ऑफ टी एल एन ऑफ ए नॉट ही हो जाएगा ना, और स्लोप क्या है इसकी, माइनस की, चलो जल्दी फिर और किसके ग्राफ्स होंगे, देखो ए टी, ए टी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये किसके इक्वल है, ए नॉट ई रेज पर माइनस के टी,
इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 80, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ऐसे है ना फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज शुरू होता है ए नॉट से, तो 80 वर्सेस टी ये ग्राफ बनेगा। फिर बी टी का, इसकी स्लोप नहीं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है ये, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसे बनता है। अगर आपको ई रेस पर माइनस एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना ना, ये ऐसे डिक्रीज होता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ये वही है। अच्छा बी टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। बी टी किसके इक्वल था? ऊपर देखो, बी टी एक्स के इक्वल था, ए टी ए नॉट माइनस एक्स के इक्वल था। देखते हैं, चलो इसको डिराइव करते हैं। बी टी इज एक्स एंड ए टी इज ए नॉट माइनस एक्स, और ए टी है क्या? ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी इज ए नॉट माइनस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी। एक्स तो बी टी ही है, बी टी इज इक्वल टू ए नॉट वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस के टी। ये बी टी का ग्राफ, ये बी टी का एक्सप्रेशन आ गया, ए नॉट वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस के टी। इसको, इसका ग्राफ कैसे होगा? आप देखो ये ध्यान से देखना, ये मैं ग्राफ को आपको तीन स्टेप में बना के दिखाऊंगा। ई रेस पर माइनस के टी का अगर ग्राफ बनाना तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ई रेस पर माइनस के टी वर्सेस टी, ये बनेगा ग्राफ। माइनस ई रेस पर माइनस के टी क्या होगा? माइनस, इसी का माइनस ले लो, मतलब वाई पे जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, तो क्या बनेगा? माइनस ई रेस पर माइनस के टी, ये वन से शुरू होता है, ऐसे बनेगा। दिस इज माइनस ई रेस पर माइनस के टी, जहां जहां वाई प्लस था उसको नेगेटिव कर दिया, तो ये बनेगा ग्राफ ना, ये माइनस वन से शुरू होगा। अब क्या करूं, इसमें वन ऐड कर दो, इस पूरे ग्राफ में वन ऐड कर दो, तो हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट वन विल बी एडेड इन वाई, तो ये ग्राफ पूरा एक से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड इन अपवर डायरेक्शन बाय वन यूनिट। तो क्या बन जाएगा फिर ये? ऐसे नहीं बन जाएगा, ये वन वन को अप्रोच करेगा, वन माइनस ई रेस पर माइनस के टी वर्सेस टी, ये बनेगा ना ग्राफ। यहाँ माइनस वन था, इसमें वन ऐड कर दो, जीरो हो जाएगा। देखो जीरो से शुरू हो रहा है ग्राफ, एक ऐसे ये अप्रोच कहाँ कर रहा है? जीरो को। अब ये अप्रोच करेगा यहाँ पे वन को, पूरा का पूरा उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया एक, ठीक है। अब क्या करो, अभी ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये अब ए नॉट को अप्रोच करेगा, सो ए नॉट वन माइनस ई रेस पर माइनस के टी वर्सेस टी, ये बनेगा ग्राफ, इट विल अप्रोच ए नॉट। क्लियर, नोट कर लो। देखो यहां पे वैल्यू कितनी है? वन। इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन, यहां पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 आ रही है, 0.7 आ रही है ना अप्रोक्सीमेटली, इसका माइनस करेंगे तो -0.7, ये -0.7 है। यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ रही है, इसका माइनस करोगे तो -0.5। एट एवरी पॉइंट वी हैव डन नेगेटिव ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, यही बन गया ना। क्लियर, टी हाफ का ग्राफ है इसमें, टी हाफ का वैल्यू था 0.693 अपॉन के, मतलब टी हाफ जो है वो कांस्टेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप इसको चाहे ए नॉट के साथ प्लॉट कर लो, ए टी के साथ प्लॉट कर लो, किसी के साथ प्लॉट कर लो, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, 0.693 अपॉन टी हाफ वर्सेस ए नॉट। कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डीकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो। तो हमको एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन गिवन है, इसमें इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वॉज पी आई, जैसे ये रिएक्शन है, ए गैस डिकम्पोजेस टू बी गैस प्लस सी गैस, इनिशियल प्रेशर टी
टी इज इक्वल टू जीरो पे पी आई, ये तो जीरो है अभी तक। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम टी, मतलब टी टाइम के बाद, टोटल प्रेशर इंक्रीजेस बाय एक्स यूनिट एंड बिकम्स पी टी। टोटल प्रेशर पी टी हो गया, तो मान लीजिए पी कम हो गया, पी कम हो गया तो पी आई माइनस पी बचेगा ए का। सपोज ए का प्रेशर पी कम हो गया तो पी आई माइनस पी बचेगा, बी कितना बन जाएगा, पी सी कितना बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ के दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब पी आई प्लस पी, तो इंक्रीज कितना हो गया। हाँ यहाँ पहले पी आई था, बाद में पी आई प्लस पी हो गया, इंक्रीज इज पी। उसने बोल रहा है दैट इंक्रीज इज एक्स, इंक्रीज इज बाय एक्स यूनिट्स, मतलब जो पी है वो एक्स के इक्वल ही है, तो हम इसको एक्स ही लिख लेते हैं, इसको एक्स ही लिख लेते हैं, वेरिएबल एक कम हो जाएगा। एक्स 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 ओके, सो दिस इज इट। द रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज गिवन एस, वॉट इज रेट कॉन्स्टेंट। अब रेट कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टाइम टी। हालांकि ये टोटल प्रेशर पी टी लिख रखा है, ये मतलब ये वाला पी टी नहीं, मतलब प्रेशर एट टाइम टी फॉर ए रिएक्टेंट, है ना, फॉर रिएक्टेंट। ये वाला पी टी तो टोटल प्रेशर है, सिंबल या कंफ्यूज नहीं करना, मैं ना सिंबल लिखता ही नहीं रुको। फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना है यहाँ पे पी आई, और ए का प्रेशर एट टाइम टी कितना है पी आई माइनस एक्स, ये आंसर आ गया बस फर्स्ट। ठीक है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 1.26 इंटू 10^14 सेकेंड्स, मतलब उसका टी हाफ दिया हुआ है, 50% कंप्लीटेड मतलब टी हाफ दिया है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 100% कभी कंप्लीट हो होती ही नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वी रेज बार माइनस के टी। इसका ग्राफ ये बनेगा, ये इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच करता है बट कभी जीरो होता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बिकम्स जीरो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर कंप्लीटेड 100% एट इनफाइनाइट टाइम। इन अदर वर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट होते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ वर्सेस आर नॉट, इज इट करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 बाय के के, आर नॉट पे तो डिपेंड करता नहीं है ना, तो दिस इज करेक्ट, टी हाफ इज 0.693 बाय के, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, टी हाफ आर नॉट पे इस तरह से डिपेंड करता है, ये गलत है, जीरो ऑर्डर का है, नहीं जीरो ऑर्डर का भी नहीं है ये तो, ये तो जीरो ऑर्डर का भी नहीं है, जीरो ऑर्डर का ही होता है, टी हाफ इज ए नॉट बाय टू आर नॉट, है ना, ये जीरो ऑर्डर का भी नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर का रिवाइज कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, टी हाफ के लिए ए नॉट बाय टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, तो टी हाफ क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू के, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये तो किसी का ग्राफ नहीं है, जीरो का भी नहीं है, फर्स्ट का भी नहीं है,
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। सही है बात है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम थोड़ी ना ऐसा होता है, प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता है डिक्रीज थोड़ी होता है, ये तो गलत हो गया, प्रोडक्ट दे रखा ना इसने। ये सही है, लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम, ये सही है। देखो ये तो यहाँ सॉल्व करके दिया, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अब इसको प्लॉट करेंगे किस पे, देखो आप इसको इसको ऐसे करो, लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी, रीअरेंज कर लो टर्म्स को, इनको इनको रीअरेंज कर लिया, वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट करो, एक्स एक्सिस पे इसको प्लॉट करो, तो ये स्लोप ही रह गया ना, तो ये सही है, दिस इज करेक्ट, तो 1 और 4 करेक्ट हो गए। मैच द ग्राफ गिवन इन कॉलम 1 विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन इन कॉलम 2। आपको ग्राफ दिया है, आप और ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये बताना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लीनियर है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट या जीरो। देखो रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, इस पर 1 है, लीनियर है, देखो फर्स्ट ऑर्डर, ये रेट रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब आर इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है वो, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ, ये तो कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये तो आपको 0 और 1 में ही बताना है, तो ये तो नहीं है ना, तो 0 ना 1, ये ना तो 0 है ना 1 है, तो गलत हो गया, सॉरी ये 0 है, सॉरी आई एम सॉरी, ये 0 ऑर्डर आएगा ना। देखो इस ग्राफ को देखो, 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, सो ए टी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो वाई इंटरसेप्ट कितना आता है, ये ग्राफ ऐसे ही आता है ना, वाई इंटरसेप्ट ए नॉट स्लोप माइनस के टाइम ए टी वर्सेस टी ग्राफ, ऐसे ऐसे ही आता है ना, तो ये 0 ऑर्डर हो गया। फिर ये लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है लॉग का, है ना, लॉग वाला ग्राफ यहाँ प्लॉट किया होगा, देखो ये रहा, के इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, लॉग ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, यही लगाई है, लॉग आर नॉट अपॉन आर को लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, इसको रीअरेंज कर लो, लॉग आर इज दिस मच, इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो, स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस के अपॉन 2.303, और वाई इंटरसेप्ट लॉग ऑफ आर नॉट, क्या बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे ही बनेगा, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303, लॉग ऑफ आर इधर आ गया, टी यहाँ आ गया, और ये वैल्यू लॉग आर नॉट, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया।